एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल ट्यूसडे। दिस इज माय सेकंड एपिसोड और आज हम पहुंच गए हैं स्पिरालिन। स्पिरालिन एक ऐसी जगह जिसका रास्ता एक स्पाइरल की शेप वाली टनल से होकर जाता है। इस चट्टान के ऊपर आप बाय वॉक भी पहुंच सकते हैं, बट वो रास्ता भी किसी स्पाइरल शेप से कम नहीं होगा। स्पिरालिन को 1953 में चट्टान से उखाड़ा गया था, क्योंकि द्रामन शहर में दो बड़ी सड़कों को बनाने के लिए भारी भरकम अमाउंट में स्टोन्स की जरूरत थी। वो दो सड़क हैं रूसनक्रांसकाते और ब्यर्नस्टेर्ने-ब्यर्नस्टेनस्काते। इसका उद्घाटन 1961 में किंग ओला वी ने शहर की एनिवर्सरी के दिन किया था। ये सुरंग 1650 मीटर्स लंबी है और ये स्टार्ट होती है 50 मीटर्स अबव द सी लेवल और स्पिरालिन चट्टान का टॉप पॉइंट सी लेवल से 213 मीटर्स ऊपर है। ये टनल एक एक्सिस के आसपास 6.5 बार घूमकर खुलती है ब्रायदाब्लिक में। इस पॉइंट को स्पिराल थोपिन भी कहा जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट, आउटडोर सीटिंग और रिक्रिएशन एरिया है, जहाँ से द्रामन शहर का व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से पूरा द्रामन शहर, पूरी द्रामन सिटी दिखती है और द्रामन सिटी में हम बचपन से रह रहे हैं। हम यहाँ से अब देखना चाहते हैं कि हमारा घर कहाँ पर है। ओके, ये है लाइब्रेरी, है ना? ये ब्रिज है, वो है मरीन लिस्ट, यहाँ की साइड होगा ऊपर कहीं, है ना? क्योंकि मुझे लगता है शायद वो मैं वहीं गया था। वो शीक बक, अरे ये तो रहा यहाँ पर, ये बन रहा है, उसके ऊपर हम उधर जाएंगे, वहाँ को हमारा घर होना चाहिए। और मैं यहाँ से जंगल के अंदर गया था, फिर सीधा सीधा जंगल के बीच में से दबा सी के टायर है खूम। हाँ तो वो वहाँ पर गया होगा, पर यहाँ से यार हमारा घर ये है, इसके ऊपर गए, वहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ से अगर हम जाएं, वो देख वो बिल्डिंग जो हम पैदल जाते हैं। हाँ वो बिल्डिंग दिख गई मुझे, उससे ऊपर जा करके वहाँ पर है। पर एग्जैक्ट घर शायद मुझे दिख रहा है, शायद आई थिंक वही हमारा घर है, नहीं नॉट श्योर। बहुत छोटे दिख रहे हैं हमसे घर। चलो पर वहां पर हमारा घर है। यहाँ पर 1905 की एक कोशेरिल तोप ही है, जो असल में चार तोपों की याद में प्लेस की गई है। उन चार तोपों का खास काम ग्लासवर्के से फालक्स एरिया तक द्रामन नदी के साउथ के एरिया को कवर करना था। इसके अलावा खोनरू एरिया में दुश्मन की तोप खाने को इतनी दूरी पर रखा जाना था कि वो नदी के उस पार अपने खुद के पैदल चलने वाले सोल्जर्स को भी प्रोटेक्ट ना कर सकें। लाइफहाइड एक नॉर्वेजियन स्कीयर थे, जिन्होंने नॉर्डिक कंबाइंड और क्रॉस कंट्री में कंपीट किया था। 1924 ओलंपिक्स में उन्होंने सभी तीन नॉर्डिक स्कीइंग इवेंट्स को जीता, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड कंबाइंड। उन्हें स्की जंपिंग में ब्रॉन्ज मेडल से भी नवाजा गया था, लेकिन 50 साल के बाद स्कोर्स की कैलकुलेशन में गलती पता चलने के बाद उनकी बेटी ने अपने पापा के मेडल को अनिश हाइगिन को पहनाया था। स्पिरालिन के टॉप पर ये स्टैचू सबसे पहले द्रामन शहर में फेयर फॉलिस नाम के एक स्कल्प्टर ने बनाया था, जिसका उद्घाटन प्रिंस ओलाव ने किया था। ये स्टैचू ग्रेव वेदल्स प्रास में रखा गया था,
लेकिन 1955 में इसे स्पिराल के निचले हिस्से पे प्लेस किया गया। फिर 2018 में इस स्टैचू को फाइनली स्पिराल के टॉप पर प्लेस होने का दर्जा दिया गया। Thank you.